इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मध्य प्रदेश सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की मुलाकात, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सौजन्य भेंट की है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सौजन्य भेंट की है। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। वहीं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है। डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में काफी काम की गुंजाइश है, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को लेकर के हमारे पास नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से सहकारिता के लिए बड़ा स्कोप है। एनडीडीबी के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है, जिसके माध्यम से दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय बढ़ाने को लेकर के बात हुई है। भारत सरकार इसमें मदद करेंगी। इंडस्ट्री में बढ़ावा देने की दृष्टि से, दूध इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कल ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने एमओयू किया है, और जिसके माध्यम से मध्यप्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक एमओयू हुआ है, और इसमें भारत सरकार लगातार मदद करेगी, जिसके माध्यम से 11,000 गांवों के अंदर किसानों की कीमत भी उचित मिलेगी, उन्नति की दिशा में ठोस कदम होगा। बढ़ेगी, केंद्र उसमें सहयोग करेगा, सहकारिता के क्षेत्र में काफी काम की गुंजाइश मध्य प्रदेश में है। एक बार फिर से आपको एक खबर बताते चलते हैं, मध्य प्रदेश सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की मुलाकात, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने सौजन्य भेंट की है। तो आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की मुलाकात, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने सौजन्य भेंट की है। फूड इंडस्ट्री में बढ़ावा देने की दृष्टि से, दूध इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कल ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने एमओयू किया है, और जिसके माध्यम से मध्यप्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक एमओयू हुआ है, और इसमें भारत सरकार लगातार मदद करेगी, जिसके माध्यम से 11,000 गांवों के अंदर किसानों की दूध की कीमत भी उचित मिलेगी, और दूध के माध्यम से उनकी आर्थिक संपन्नता की दिशा में ठोस कदम होगा।